थैंक यू सो मच आई फील सो 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 ग्रेटफुल टू ऑल माई फैंस ऑल द सपोर्टर्स ऑल द पीपल हु गिव मी लव तो ऑबली जो अटेंशन होता है दर्शकों से मिलना या जब आप रस्ते में निकलते हैं या कहीं पर जाते हैं जो अटेंशन होता है लोगों से मिलना वो काफ़ी बढ़ चुका है बट द बेस्ट पार्ट वॉर आई रियलाइज जो आज तक मेरे करियर में नहीं हुआ है जब भी मैं बाहर निकलती थी लोग पहचानते थे पर किरदार के नाम से पहचानते थे यू नो मुख्ता और uh, चुड़ैल और uh, बहुत कम लोग श्रजिता बोल के पहचानते थे बट नाव वन आई गो आउट पीपल नो मी फॉर हु आई एम पीपल नो मी एज श्रजिता डे एंड दैट समथिंग विच आई फील रियली हैप्पी अबाउट और या आई एम जस्ट एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर द लव यू गाइज आर शावरिंग ऑन मी इट्स अमेजिंग ऐसा नहीं कि शायद हम लोग हर रोज मिले हर हफ्ते मिले क्योंकि हर कोई ये ऑब्वियस ही बात है हर कोई अपने काम में अपनी चीज़ों में बिजी हो जाएंगे बट दीज आर दीपल आई वुड लव टू बी इन टच विद फॉर एवर ये चार लोग मेरे वेडिंग में भी ऑलरेडी इन्वाइटेड है प्लस वन के साथ तो एंड दे आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट माई वेडिंग तो यू मेक फ्रेंड्स फॉर लाइफ आई फील इन दिस शो सी आई एम ओके विथ एवरी वन एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ़ द पीपल आर ऑल्सो ओके विथ मी क्योंकि घर के अंदर जो भी uh, uh, मन मुटाव जो भी छोटी मोटी चीज़ों पर झगड़ा लड़ाई हो जाता है अर्चना के साथ भी जैसे मेरे बहुत झगड़े हुए थे घर के अंदर बट नाउ वी आर फ्रेंड्स शी इज स्टेइंग विथ मी तो वो सारी चीज़ों को आई हैव केप रिसाइड एंड आई एम ओके विथ एवरी वन दूसरा जो बंदे ने मेरे दिल के अंदर बहुत जगह ले लिया है घर के अंदर भी उसके उसके लिए uh, मेरे दिल के अंदर एक स्पेशल जगह था और बाहर भी है दैट इज़ अब्दू आई लव हिम आई रियली लव हिम वह अभी ऑलरेडी दुबई चला गया है आई मिस यू अब्दू कम बैक सून टू इंडिया एम सी स्टैंड निमृत सौंदर्या एवरीबडी इज़ ओके लाइक या तो अर्चना और मैं आ, रह रहे अभी साथ में क्योंकि शी इज़ लुकिंग फॉर अ न्यू हाउस इन बॉम्बे उसको जल्दी शिफ्ट होना है पर तब तक वो मेरे साथ रह रही है और हम लोग इतने मज़े करते हैं घर में आ, उसने अदरक वाली चाय चल रहा है उसका जो चलता है और खाना बनाने बोला उसको मैंने आज कि चल थोड़ा सा दाल चावल बना ले तो उसका अलग ड्रामा शुरू हो गया नहीं आंटी के हाथ का मच्छी चावल खाना है आंटी के हाथ का मच्छी चावल खाना है तो मतलब एक्चुअली खाना बनाने में लड़की को इतना शौक़ नहीं है जितना उसने घर के अंदर दिखाया शायद बिग बॉस को पटाना था उसको अच्छे अच्छे खाने बना के बट हाँ चाय तो बना रही है चाय चल रहा है ऑनिस्टली आई हैव गॉटन वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो इट इज़ अ डिफिकल्ट शो इट इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल शो क्योंकि uh, एक घर के अंदर हम uh, जब मम्मी के साथ भी रहते हैं झगड़ा होता है जब झगड़ा होता है तब हम मम्मी को भी uh, गुस्से में कुछ बोल देते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी से हम प्यार नहीं करते राइट right? तो सिमिलर थिंग्स हैपन्स इन द सेम इन बिग बॉस हाउस हमें गुस्सा आता है हम किसी को भरा भला बुरा, बुरा बोल देते हैं बट इसका मतलब नहीं है उस इंसान से हमें प्यार नहीं है सो टू लाइक ब्रॉडर एक्सटेंट आई फील फैंस हैव अंडरस्टुड दैट कि मेरा दिल अच्छा है अगर गुस्से में मैंने किसी को बोल भी दिया है तो उस चीज़ को पीछे छोड़ देना चाहिए और मुझे जो रिस्पॉन्स मिला है इट इज़ अट इट इज़ क्वाइट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड आई फील पीपल नो मी फॉर हो आई एम इन रियालिटी कि और ना ही कुछ गलत परसेप्शन है शुजिता के बारे में इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि मतलब जो मैं हूँ उनको भी लगता है कि मैं वो ही हूँ तो शालीन के साथ मेरा फिलहाल अभी जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है इनफैक्ट घर के अंदर जो बॉन्ड था उससे भी ज़्यादा स्ट्रोंग बॉन्ड हो चुका है तो जो आपका सवाल था कि स्टार्ट में मुझे वो बंदा एक्चुअली समझ में नहीं आया और जो काफ़ी ऑडियंस को भी लगा था या लगता है कि वो फेक है वो एक्टिंग करता है वो मुझे बाद में समझ में आया कि वो बंदा ऐसा ही है ही इज़ समटाइम्स टू अन रियल टू बी रियल उसका अलग एक फिल्म वर्ल्ड चलता रहता है जहाँ पे वो शाहरुख खान है हाँ जहाँ पे वो शीशे में बात करता रहता है बट इन रियलिटी ऑल्सो ही इज़ लाइक दैट एंड ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन बाय हार्ट जो मुझे बाद में धीरे धीरे समझ में आया एंड वी आर रियली गुड फ्रेंड्स नाउ आई थिंक माइकल वॉज़ द बिगेस्ट टॉकर क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे देखता था और पढ़ता था कि क्या डिस्कशन चल रहा है क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि हंड्रेड परसेंट लोग आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे ये ऐसा शो है जहाँ पे कोई पसंद करेंगे मुझे और या तो हर कंटेस्टेंट को को कोई नापसंद करेंगे तो वो नापसंद वाला भी पढ़ता था और पसंद वाला भी पढ़ता था बट नापसंद में आई थिंक वो ज़्यादा एम्फेसिस करता था कि बिकॉज़ इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि Uh, क्या ऐसी चीज़ है जो uh, लोगों को मेरा पसंद नहीं आया सो दैट वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सी जब मुझे ये शो ऑफर किया गया था आई वॉज स्टिल लिल बिट लाइक या इन टू माइंड कि करूँ ना करूँ बट माइकल वॉज द वन हु टोल्ड मी कि कभी भी चैलेंजेस आए ना जिंदगी में उससे कभी भागना नहीं चाहिए आई थिंक यू आर इन डबल माइंडस बिकॉज यू आर स्कैर्ड कि आपको आपके कम्फर्ट जोन से बाहर जाके मुझसे इतना दि दिन दूर रह के अपने डॉगोज से इतना दिन दूर रह के कैसा फ़ील होगा तू बहुत मिस करेगी घर को देखो इस सब से को क्लटर uh, कर रहा है दिमाग के अंदर सो बेटर यू टेक अप द चैलेंज एंड लेट पीपल नो दैट यू कैन बी अ स्ट्रॉग पर्सन एंड यू कैन बी आउट ऑफ योर Zone and you can be Shrijita, uh, you can be real. So I was like, yeah, why not to pick up this challenge? I was very nervous. जिस दिन पहली बार घर के अंदर मैं कदम रखी थी, I was so nervous. I still remember कि शायद twelfth का भी जब result आया था, तब मेरा मेरी दिल की धड़कन इतना ज़्यादा तेज़ नहीं हुआ था. I could hear my heart beat from outside. But slowly, slowly, the journey became beautiful, and I'm very happy that I picked it up.

टू बी ऑनस्ट इट्स नथिंग इट्स ज़ीरो आई वुड से नो नेगेटिव नो पॉजिटिव इट्स एब्सल्यूटली ज़ीरो क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे लोग आपको मिलते हैं जिनके एनर्जीज़ या जिनके नेचर आपसे कभी नहीं मिल सकता है जो बहुत ही दोनों अलग पोल्स के बंदे या बंदी है तो जब आपको ये चीज़ समझ आ जाए और 10 साल से हम लोग ये चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे कभी दोस्त बन रहे कभी नई दोस्त बन रहे तो जब आपको फाइनली ये चीज समझ में आ जाए कि इट कैन नेवर वर्क आउट यू बोथ कैन नेवर बी फ्रेंड्स और एनिमीज तो बहुत दूर की बात है लाइक यू बोथ के नॉट बी फ्रेंड्स देन इट्स बेटर की टेक अ स्टेप बैक और दैट्स इट गुड गुड लक टू यू गुड लक टू मी एंड इट्स जस्ट वेरी न्यूट्रल या मतलब ऑब्वियसली मुझे नहीं बोलना चाहिए मम्मियों के बिहाफ में बट जितना मैंने नोटिस किया है मैंने मम्मी को दो तीन बार पूछने की भी कोशिश की कि आंटी का फ़ोन आया था आपने आंटी को फ़ोन किया था सो आई फील शी गॉट अ बिट अनकम्फर्टेबल क्योंकि इन दोनों के बीच में भी बातचीत uh, बंद हो चुकी है दे वे फ्रेंड्स आई वुड नॉट से दे आर फ्रेंड्स एनी मॉर नाउ बट वो उनका कॉल है आगे अगर वो दोनों वापस से डिसाइड करते हैं कि बेटिया सेपरेट हम अपनी दोस्ती को कायम रखेंगे देन दे शुड इट वॉज सो गुड द आफ्टर पार्टी बिकॉज दैट वॉज द टाइम वेन वी गॉट हिम लाइक वन टू वन और सारे कंटेस्टेंट्स का ना बारी बारी चल रहा था पहले तो दस मिनट तक वी कैप्टम बिजी क्लिकिंग पिक्चर्स फिर uh, पूछ रहे थे कि हाउ वॉज आर जर्नी ओके वॉट डूट सो माई क्वेश्चन हुए हाउ डू डू थिंक अबाउट माई जर्नी वॉट ड यू थिंक अबाउट माइक वॉट डू थिंक अबाउट माई वेडिंग एन वॉज लाइक तेरी शादी है तेरा माइकल है ऑफ़ कोर्स एवरीथिंग इज़ गुड सो वी गॉट दिस वन टू वन कॉन्वर्सेशन वाला पहले भी ही इज ऑलवेज गाइडिंग यू बट वीकेंड के वार पे क्या होता था कि आपके अंदर इतना ज़्यादा हाई टेंशन होता है कि कभी आप नॉमिनेटेड हो कभी आपको डांट लगेगी कभी आपको क्लास uh, लगेगी आपकी तो हाई टेंशन रहता है सो देन यू रियली डोंट

एंड आई एम श्योर ऑल कंटेस्टेंट्स उनके साथ डांस किया थोड़ा सा हमने उनके गाने बज रहे थे नाइन्टीज वाले ओ माई गॉड या ऑफकोर्स यू वुड भी इन्वाइटेड फॉर द वेडिंग बट ही इज़ अ बिजी पर्सन आई वुड होप दैट ही कैन कम ही कैन मेक इट माइकिल के लिए यही का बहुत बहुत बढ़िया बंदा है बहुत दिल का बहुत जेनविन है मुझे तेरे को लेके शक है सो दिस वाज इज रिएक्शन या मुझे तुझे लेके शक है वो तो बहुत सही बंदा है वो तो बहुत सीधा आदमी है मैंने बोला अच्छा ऐसा क्या कर दिया जो मुझे लेके आपको शक है सो या लाइक फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट फॉर फाइव ईयर्स आई एम वेरी मच इन इंडिया आई लव माई प्रोफेशन आई लव एक्टिंग नॉट लाइक like, जैसे आप लोग सोच रहे बट आई लव प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स आप लोगों को एंटरटेन करना मुझे अच्छा लगता है uh, पर वेडिंग uh, प्रिपरेशन अभी बस चार महीने रह गया है एंड टू बी ऑनेस्ट सिर्फ लोकेशन जहाँ पे वेडिंग होगी वो फाइनलाइज्ड है एंड डेट फाइनलाइज्ड है बाकी कपड़े डेकोर नथिंग इज़ फाइनलाइजड इन वाइज किस किस को बुलाना है कितने लोगों को बुलाना है इज जस्ट इन दैड बट नथिंग इज़ फाइनलाइज्ड यट तो बहुत बहुत काम बाकी है बहुत कुछ करना है लाइक वी हैव टू राइट डाउन लॉर्ड ऑफ थिंग्स एंड फाइनलाइज लॉर्ड ऑफ थिंग्स जो कि देखते हैं धीरे धीरे करना है uh, ऑनिस्टली आई लाइक फ्लोरल एंड आई लाइक वाइट एंड पिंक पिंक लाइक थोड़ा पेस्टल शेड में जो होता है सो देयर शुड बी अ लॉर्ड ऑफ फ्लावर एटलीस्ट इन द जर्मन वेडिंग इंडियन वेडिंग तो बाद में है तो वी स्टिल हैव टाइम तो जर्मन वेडिंग का आई वुड लाइक अ लॉर्ड ऑफ वाइट फ्लावर विथ सम पेस्टल शेड फ्लावर लाइक पिंक और पीच काइंड ऑफ एंड फ्लोरल डेकोर विथ येलो लाइट्स या तो बेंगाली वेडिंग का ऑलरेडी माइकिल को फोटो दिखाया गया है तो लड़के लोग एक टोपोर पहनते हैं हाँ तो वो वाइट कलर का होता है एंड ही वॉज़ लाइक मुझे ये पहनना पड़ेगा आई हैव टू वेयर इट आई सेड ऑफकोर्स यू हैव टू वेयर इट बिकॉज इट्स ट्रडिशनल एंड वी लव ट्रेडिशनल बेंगाली वेडिंग सो आई हैलरेडी थॉट माई सारी बंगाली वेडिंग का तो मैंने एटलीस्ट वेडिंग का मैंने सोच लिया है रेड साड़ी विद दोज डॉट्स एंड ऑल विच यू आर सेंग विथ दैट टोपोर एंड प्रॉपर ट्रेडिशनल वे पर शादी होगी लाइक like पान पाता लेके वो uh, फेरा लेना एंड ऑल दैट घूमने फिरने का प्लान है पर ऑनेस्टली uh, मैं बताऊँ मैं बहुत जल्दी वापस से uh, काम में वापस uh, लौटना चाहती हूँ आइदर इट इज अ फिक्शन शो और नॉन फिक्शन शो ड मैटर आई वॉन्ट टू स्टार्ट वर्किंग अगेन और हनी मून का आफ्टर द बेंगाली वेडिंग मे बी टू मॉल दीवस सोच रहे आप सोचो ना चार महीने बाद जर्मन वेडिंग है उसकी हमारी अभी तक कुछ प्लानिंग नहीं हुआ है तो हनीमून इज लाइक गोवा नो द जर्मन वेडिंग इज इन जर्मनी हैमबर्ग एंड बेंगोली वेडिंग शुड बी गोवा टाइम है उसमें सब लोग इन्वाइटेड होंगे नहीं पर कुछ लोगों ने ऑलरेडी प्रॉमिस किया, किया, किया है जैसे प्रियंका ने प्रॉमिस किया है शालीन ने प्रॉमिस किया है शिव ने भी बोला अच्छा ठीक है कोशिश करेंगे बट एटलीस्ट दो तीन लोगों ने तो प्रॉमिस किया है दैट दे आर कमिंग टू जर्मन वेडिंग ऑल्सो आप देखते हैं प्रोमिस कितना रखा जाता है

इंसान को मिला है ना जो हर कुछ ऑपरेट हो रहा है हमारे दस उंगलियां हाथ पैर सब ऑपरेट हो रहा है तो हम uh, निजी जिंदगी में कभी कभी भूल जाते हैं टू अप्रिशिएट व्हाट वी हैव गॉट बट व्हेन यू आर प्लेइंग अ रोल वे यू आर फिजिकली चैलेंज्ड और मेंटली चैलेंज्ड और यू आर एन किड देन यू रियलाइज द चैलेंजेस वॉट दिस पीपल गो थ्रू एंड देन यू मे बी स्टार्ट वैल्यूइंग योर ओन लाइफ वे मॉ तो मुझे ऐसे कोई चैलेंजिंग रोल चाहिए आ, या तो फिर सुपर नेचुरल आई लव सुपर नेचुरल जहाँ पर मैं चुड़ैल बन के हवे में उड़ सकती हूँ दीवारों में क्रॉल कर सकती हूँ आई लव सुपर नेचुरल